Good. तो इसी के साथ 11 दिसंबर मैं हूं मयूर और आप खेल रहे हैं ब्रेन बाजी मिनी जीतू मैं जीते इंडिया. सो ब्रेन बाजी मिनी है तो 5 क्वेश्चन मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा और हर क्वेश्चन के होंगे 3 ऑप्शन और हर क्वेश्चन का जवाब देने के मिलेंगे आपको 10 सेकंड. और अगर आप सारे सवालों को सही जवाब देंगे तो आप जीत जाएंगे आज के प्राइज मनी में से अपना हिस्सा विच इज 20,000 रुपीज. गलत जवाब वैसे आपको पीछे छोड़ सकता है बट डोंट वरी आपकी कमाई हुई लाइव्स अगर आपके पास है तो वो आपको आगे बढ़ने का एक मौका जरूर देंगी. लेकिन एक ही मौका मिलेगा और लाइव कहां से आएंगी? अरे वो है उससे आएंगी कल ना एक सवाल से. क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा. अगर आप इसका सही जवाब देते हैं बिना लाइफ यूज किए तो आप जीत जाएंगे एक एक्स्ट्रा लाइफ जो आप किसी भी ब्रेनबाजी या पोलबाजी गेम में यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से खेलिएगा. अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ 16,000 से भी ज्यादा लोग. और क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ही दिलचस्प सवाल है मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये रहा आपकी स्क्रीन पर. इनमें से कौन सी बांसुरी श्री कृष्ण के साथ नहीं जुड़ी है? विजया वेणु या वंशी? फ्लूट्स बैम्बू फ्लूट्स टू बी स्पेसिफिक सिर्फ इंडिया में ही नहीं मिलती बाकी एशियन कंट्रीज जैसे चाइना जापान या कोरिया में भी इसके डिफरेंट वेरियंट्स मिलते हैं बट इंडिया में बैम्बू फ्लूट्स या बांसुरी का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये भगवान कृष्ण से जुड़ा इंस्ट्रूमेंट है. आज के समय में भारत के दिग्गज बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं जिन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया है. जवाब आ चुके हैं द करेक्ट आंसर इज विजया. सो ऐसा माना जाता है कि कृष्ण 3 तरह की बांसुरी चलाते थे बजाते थे वेणु जो कि 6 इंच तक की होती है वंशी जो 15 इंच तक की होती है और मुरली जो तीसरा काइंड है बांसुरी का 18 इंच की लंबाई तक होती है और बांसुरी की लंबाई और उसकी ओवरऑल साइज के हिसाब से उसका स्केल भी चेंज होता है. चलिए 7,000 से भी ज्यादा लोगों ने दिया इसका सही जवाब वेरी नाइस. अब बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. 11,000 से भी ज्यादा लोगों के साथ ये रहा आपकी स्क्रीन पर. एक ताज की गड्डी में लाल रंग की बेगम की संख्या और हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की संख्या का जोड़ क्या होगा? 11, 10 या 13? सिंपल सा सवाल है आपको बस संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए. एक ताज की गड्डी में होते हैं 52 पत्ते. वो 52 पत्ते 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं 2 लाल और 2 काली. हर कैटेगरी में एक बादशाह एक बेगम और एक गुलाम होता है. अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बेगम होंगी और नंबर ऑफ प्लैनेट्स तो हमें बचपन से ही रटे होते हैं बट सिंस चाइल्डहुड सोलर सिस्टम में नंबर ऑफ प्लैनेट्स थोड़ा चेंज हुए हैं. जवाब बता देता हूं द करेक्ट आंसर इज 10. सो एक डेक ऑफ कार्ड्स में 2 लाल बेगम होंगी एंड देर आर 8 नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम विच मेक्स 8+2=10. सो दैट्स द करेक्ट आंसर. अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार प्लैनेट्स तो 9 होते हैं तो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया था तब से प्लूटो को लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स में नहीं गिना जाता. ऑलराइट 4,300 से भी ज्यादा लोगों ने दिया इसका सही जवाब वेरी नाइस. अब बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. 6,000 से भी ज्यादा लोग खेलेंगे इसे. क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर. इनमें से किस कंपनी का नाम इसके फाउंडर के इकलौते बेटे के नाम पर रखा गया है? अशोक लेलैंड ओनली विमल या भूषण स्टील? बहुत सारी कंपनीज का नाम उनके फाउंडर के फैमिली नेम से आता है जैसे टाटा गोदरेज वगैरह वगैरह लेकिन इस कंपनी के फाउंडर ने अपने इकलौते बेटे के नाम पर इस कंपनी का नाम रखा था. ऑप्शंस की जांच कर लेते हैं. भूषण स्टील एक ऑटो ग्रेड मैन्युफैक्चरर का स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ओनली विमल एक टेक्सटाइल ब्रांड है जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है इन अ जॉइंट वेंचर विद चाइनीज टेक्सटाइल कंपनी रूई साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप. जवाब आ चुके हैं द करेक्ट आंसर इज अशोक लेलैंड. So, अशोक लेलैंड की को शुरू किया था रघुनाथन सरन ने एज अशोक मोटर्स हु नेम्ड इट आफ्टर हिज ओनली सन अशोक सरन. ब्रिटिश व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर लेलैंड मोटर्स के साथ कोलैबोरेट करके इसका नाम हुआ अशोक लेलैंड. ऑलराइट सो 3,000 से भी ज्यादा लोगों ने दिया है इसका सही जवाब वंडरफुल. अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि है कल नायक सवाल. इसे खेलेंगे 18,000 से भी ज्यादा लोग मेरे साथ और इसका अगर आप सही जवाब देंगे बिना लाइफ यूज किए तो आप जीत जाएंगे एक एक्स्ट्रा लाइफ. तो चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4. रिसेंटली कौन सी स्टेट एक सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च करने वाली पहली इंडियन स्टेट बनी? मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? आपने हॉलीवुड की कई मूवीज में सुना होगा कि दे यूज 911 फॉर ऑल इमरजेंसी सिचुएशंस वैसे ही अब इस स्टेट में 112 नंबर यूज होगा टू एड्रेस ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रेस कॉल्स.
जैसे टूवर्ड्स पुलिस, फायर, एम्बुलेंस या वुमेन हेल्पलाइन. वन नंबर फॉर एवरीथिंग. इट इज नेम्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जो कि आने वाले समय में पूरे इंडिया में लागू होगा. पर फिलहाल इसे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने 28 नवंबर को सिर्फ एक ही स्टेट में लागू किया है, और वो कौन सी है? वो है हिमाचल प्रदेश. सो 112 सिंगल इमरजेंसी नंबर की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हो गई है, और इसके साथ 112 इंडिया नाम की एक मोबाइल ऐप की भी शुरुआत हुई, जो स्मार्टफोन्स में एक पैनिक बटन का काम करेगा. बट फिलहाल ये मोबाइल ऐप सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही अवेलेबल है. ओके, तो 7900 से भी ज्यादा लोगों ने दिया है इसका सही जवाब बिना लाइफ यूज किए, तो आप सभी लोग जीत चुके हैं एक एक्स्ट्रा लाइफ. मुबारक हो आपको. अब हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है हमारा आज का आखिरी सवाल. ध्यान से खेलिएगा, 3000 से भी ज्यादा लोग खेलेंगे इसे. ये रहा आपकी स्क्रीन पर. इनमें से किन्होंने 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पहले और उसके बाद दोनों फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम किया, दोनों टाइम? चलिए, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह या प्रणब मुखर्जी. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के टाइम इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्पीयर हेड किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव. प्रणब मुखर्जी का आज बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे टू अ फॉर्मर प्रेसिडेंट पीएम, आई मीन प्रणब मुखर्जी. पर जवाब ये नहीं है, जवाब है जसवंत सिंह. तो जसवंत सिंह दो बार फाइनेंस मिनिस्टर बने, लेकिन दोनों ही बार वो 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद था, 1996 में और फिर 2002 से 2004 तक. चलिए, 1791 लोगों ने दिया है इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का, और 379 लाइव्स यूज हो चुकी हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. तो आज के हमारे कुल मिला के विजेता बनते हैं 2170 लोग. आप सभी के लिए सेलिब्रेशन. अरे क्या बात है, आज का ब्रेन बाजी मिनट एडिशन जीत गए आप. वेरी वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. तो खुशी का मौका है, एक फोटो ले लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर बाजी नाव के नाम से हमें ढूंढ लो, इस बाजी विद डबल ए, और हैशटैग ब्रेन बाजी के साथ उन सभी फोटोज और मैसेजेस को टैग कर दो, ताकि हम आपको ढूंढ सकें और मैसेजेस पढ़ सकें. फिलहाल देखते हैं कौन कौन जीते हैं आज का ब्रेन बाजी एडिशन. श्याम, नरेश, साहिल, डॉन, सूरा, नीरज, नेहा सिंह, वीसीएसएस, सोहित, स्वाति, सत्यो, साइयो, राहुल, सौरभ घोष, रजनीश, शुभा, राहुल, देवकी, हरिका. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू आज का ब्रेन बाजी मिनी एडिशन जीतने के लिए. और मन में अगर है विश्वास और जीतना चाहते हो तो खेलो बहुत सारे गेम्स. अभी आप खेलेंगे 3 बजे पोल बाजी, उसके बाद 4:30 बजे आपके सामने होगा बिंगो बाजी, उसके बाद 8:30 बजे रात को ब्रेन बाजी अगेन, और 9 बजे फिर से पोल बाजी आपके सामने. कितने सारे गेम्स पूरा दिन लाइंड अप है, तो खेलते रहिए, क्योंकि खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे. लेकिन अभी अभी मैं मिलूंगा आपसे एक चीट कोड लेकर. हेलो, मैं हूं मयूर और आ गया हूं एक चीट कोड लेकर आने वाले ब्रेन बाजी गेम के लिए. ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगा. तो यार, नया साल आने वाला है और उसके साथ साथ कितनी सारी नई नई मूवीज भी रिलीज होंगी, राइट? अभी तो जीरो आएगी, उसके बाद सिम्बा आने वाली है, फिर जनवरी में मनी करने का और सुपर 30 आएंगी. मनी करने का थोड़ी प्रॉमिसिंग सी लग रही है नहीं? हालांकि टीजर को देखकर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया मूवी को, बट लेट्स सी कंगना रनौत कितनी कन्विंसिंग लगती है रानी की झांसी के रूप में. हाँ, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बट आई जस्ट होप कि उन्हें बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा लड़ना ना पड़े. एनीवे, मैंने आपको बातों ही बातों में बता दिया चीट कोड आने वाली गेम के लिए, तो इसे ध्यान रखिएगा. और अभी के लिए अलविदा लेता हूं, टेक केयर एंड सी यू सून. चीट कोड.